Soak up the rags, fuck up the max. Light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the paper. Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग MSI गेमिंग लैपटॉप की, तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये है हमारे पास MSI का गेमिंग लैपटॉप, जो कि अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू 0 मीटर, अभी हमने बिल्कुल इसकी अनपैक भी नहीं किया। तो काफ़ी ज़बरदस्त लैपटॉप है गेमिंग के लिए, खासकर ये कंपनी जो है लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स बनाती है। काफ़ी जो है इनके लैपटॉप और मोबाइल्स की कभी भी कोई शिकायत नहीं आई, काफ़ी ज़बरदस्त इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। हम भी ट्राई करते हैं आज इस वीडियो में, तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका कुछ करेंगे हल्का सा रिव्यू, और देखते हैं कि क्या कैसा स्पेक्स वगैरह हैं, क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम मिलते हैं वीडियो में। सबसे पहले इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। डब्बे में एक और डब्बा, आप देख सकते हैं MSI का यहाँ पर लोगो है और यहाँ पर एक ड्रैगन की तस्वीर बनाई गई है। काफ़ी ज़बरदस्त बॉक्स है, इसकी क्वालिटी वाइज से लग रहा है कि काफ़ी जो है कमाल का होने वाला है ये लैपटॉप। तो ये MSI की कोई बुक्स आती हैं, ये तो हर चीज़ के साथ आती हैं, पढ़ता भी कोई नहीं है, इसे हम रखेंगे साइड पे। शायद से ये वारंटी कार्ड है, इसको आप फेंकिएगा नहीं, संभाल के रखिएगा। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा लैपटॉप, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। तो इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं हमें बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। यहाँ पर हमें मिलती है एक चार्जिंग केबल, जो कि इसके अडॉप्टर में लगेगी लैपटॉप के, इसको भी साइड में करते हैं। और क्या देख मिलेगा हमें, तो होगा ये हमें चार्जर मिलता है, यहाँ पर 120 वॉट्स का चार्जर है, काफ़ी अच्छा चार्जर है, पकड़ने में भी काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, क्वालिटी वाइज बहुत ही कमाल की लग रही हैं ये सारे प्रोडक्ट्स। तो इनको भी रखते हैं साइड पे। अब आ जाते हैं हम अपने, ये बॉक्स बाकी यहाँ पर है खाली, बॉक्स इसका काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ, लैपटॉप को देखते हैं कि कैसा है। काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है लैपटॉप, इसको अनपैक करते हैं। ओ गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त लुक वाइज, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। बैक से आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ैन कूलिंग के लिए जगह काफ़ी ज़्यादा दी गई है, स्पेस वगैरह, आप ये आपका हीट अप नहीं होने वाला ज़्यादा, पर इसको आप टेबल वगैरह पे यूज़ कीजिएगा, बेड पे वगैरह पे इस तरह यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप अक्सर जो होते हैं ना हीट अप कर जाते हैं, क्योंकि इनमें जो काफ़ी ज़्यादा जो है हैवी रन हो रहा होता है, काफ़ी हैवी गेम्स रन करते हैं लोग, तो इसलिए जो है ये हीट अप हो जाते हैं। तो गाइज, इसको आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑफिस वगैरह के काम के लिए भी यूज़ हो सकता है, इसमें एडिटिंग भी काफ़ी कमाल की होती है। आपको मैं इसके स्पेक्स बताता चलूँ, इसके अंदर 1500 GB हार्ड है, 16 GB रैम, RTX NVIDIA का लगा हुआ है ग्राफिक कार्ड 3050, और 16 GB इसकी रैम है। इसके अंदर इंटेल कोर i7 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, काफ़ी ज़बरदस्त ये है प्रोसेसर, इसमें 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है। तो आपको मैं इसके अंदर से दिखाता चलूं, ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम स्क्रीन है और लुक क्वालिटी वाइज भी बहुत ही कमाल का है। इसको स्टार्ट करके देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर
MSI का लोगो आ चुका है दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त लैपटॉप है ये। अगर आपको गेमिंग के लिए यह लैपटॉप बाय करना है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप ज़रूर इसको बाय कीजिएगा, क्योंकि गेमिंग के लिए बिल्कुल बीस्ट है ये लैपटॉप। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की इसमें गेमिंग होगी आपकी, बहुत हैवी हैवी गेम जैसे GTA 5, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी, उसके बाद रेजिडेंट ईवल 7, ये वो रेड डेड रिडेम्पशन, ये सारी गेम्स इसमें बहुत सिंपल आसानी से रन करेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है सब कुछ सारे स्पेक्स इसमें फिट किए हुए हैं। छोटा सा लैपटॉप है पर इसमें इतने ज़्यादा सामान के यानी चीज़ें फिट की हुई हैं। एक अच्छे से अच्छा खासा PC भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, जो कि यानी अराउंड बजट 2 लाख का होगा, उसके आगे ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका एक गेमिंग रिव्यू भी आपको दिखाएंगे, इसमें हम GTA 5 रन करके दिखाएंगे, तो वो वीडियो आपको कल इंशाल्लाह आ जाएगी, वो भी ज़रूर से वॉच कीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप देखिएगा ज़रूर वीडियो। तो इसके मैं आपको स्पेक्स कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाता चलूँ, काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे स्पेक्स हैं गाइस। आप ये देख सकते हैं इसके जो करंट डाटा टाइम वगैरह कंप्यूटर नेम MSI, आप देख सकते हैं 64-bit का है, विंडो 11 इसमें से रजिस्टर है पहले से ही। उसके बाद जो है सिस्टम मॉडल वो है GF63 थिन 11UC। आप बाकी प्रोसेसर देख सकते हैं 11 जनरेशन इंटेल कोर i7 11800H 2.30 GHz 16 CPUs 2.3 GHz मेमोरी आप देख सकते हैं 16 GB रैम 16000 यानी 16 GB रैम एक तरह से हो गई ना। उसके बाद इसमें डायरेक्ट एक्स 12 वर्जन है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पेक्स हैं। उसके बाद इसमें जो ग्राफिक कार्ड पहले इंस्टॉल है वो 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। इसमें आपको यहाँ पर ऊपर एक वेबकैम भी मिल जाएगा 720p का, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त गेमिंग के लिए लैपटॉप है। कैमरा का रिज़ल्ट कुछ इतना ख़ास नहीं है पर नॉट बैड, इतना भी बुरा नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त लैपटॉप का रिज़ल्ट है इसका, यानी इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, आप वीडियो कॉल वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो है RTX GeForce NVIDIA 4GB 3050 है, यानी गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त ग्राफिक कार्ड, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर आपको साइड में मिलती हैं हेडफोन जैक, उसके बाद माइक्रोफोन, यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 USB पोर्ट, उसके साथ में आपको मिलेगा एक Type-C पोर्ट, उसके साथ आपको मिलेगा इंटरनेट की वायर का जो पोर्ट होता है एक, वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में दिखाऊँ, लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट, उसके बाद यहाँ पर एक और USB पोर्ट मिल जाता है, और ये साइड में आप देख सकते हैं ये स्पीकर यहाँ पर इंस्टॉल है इनमें, ये साइडों पे आप स्पीकर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लुक वाइज काफ़ी ज़बरदस्त इसको बनाया गया है। बैक साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं यहाँ पर MSI का लोगो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। काफ़ी स्लिम लैपटॉप है, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लुक दे रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ पर NVIDIA कंट्रोल पैनल, आप देख सकते हैं यहाँ पर NVIDIA GeForce RTX 3050 लैपटॉप GPU, यानी काफ़ी ज़्यादा एक कमाल का ग्राफिक कार्ड है दोस्तों। मेरे नज़र में तो गेमिंग के लिए सबसे अच्छा लैपटॉप जो है वो आपको यही वाला ही मिलेगा, आप इसको ज़रूर से बाय कीजिएगा। इसका जो प्राइस है लाहौर मार्केट में हफीज सेंटर में वो है तकरीबन अराउंड 170-180 के करीब, तो नॉट बैड, ज़्यादा प्राइस नहीं है, क्योंकि जितना आपको स्पेक्स दे रहा है उस लिहाज से तो काफ़ी ज़बरदस्त है, ये स्पेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, इस रेंज में इतने स्पेक्स मिलना मुश्किल होता है, तो MSI आपको यहाँ पर दे रहा है ये सारे स्पेक्स इतनी रेंज में, तो इसको आप ज़रूर से बाय कीजिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी इसमें अभी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया, यूज़ किया, काफ़ी ज़बरदस्त लैपटॉप है, क्योंकि इसका काफ़ी डिस्प्ले आपको मैं दिखाता चलूँ इसका नेक्स्ट।
दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त इसकी स्क्रीन है, 144 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट है, देख सकते हैं 4K में वीडियो चल रही है, काफ़ी ज़बरदस्त जो है इसकी स्क्रीन है। साइड से मैं आपको दिखाऊं, साइड से जो है इसमें कोई जो है ब्लैक भी नहीं होती स्क्रीन, ठीक स्क्रीन जैसी आपको फ्रंट से ही वैसी साइड से दिखेगी। लैपटॉप्स की स्क्रीन में होता है नहीं, जो उन्होंने साइड से आपको ब्लर ब्लर नज़र आता है। इसकी काफ़ी ज़बरदस्त स्क्रीन है। आई होप कि आपको ये लैपटॉप काफ़ी पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। गाइस आप इसकी ऑडियो दिखा दूँ, ऑडियो में लैपटॉप्स में ज़्यादातर ऑडियो जो है वो इतनी कुछ ख़ास नहीं आती, पर इसकी काफ़ी अच्छी है, ज़्यादा भी बुरी नहीं है। इसकी ऑडियो काफ़ी ज़बरदस्त है, ज़्यादा भी इतनी कोई बुरी नहीं है। तो मोबाइल के लिहाज में मोबाइल के आई थिंक इससे ज़्यादा है, मोबाइल यूज़ के लिए आते हैं इसलिए इसमें होगा। आप ज़रा सुनिए ये साउंड इसका, आपको लैपटॉप आई थिंक के पसंद आया होगा, काफ़ी ज़बरदस्त लैपटॉप है, लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज। Soak up the rags, fuck up the mess, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster, I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water, bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the paper.